हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल दर्पण। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऑल इंडिया बार का एग्जाम की तैयारी कम से कम समय में कैसे करें। अर्थात जो भी नौकरी पेशे वाले आदमी है, जो लॉ की डिग्री लेके काम में लग जाते हैं, उनके पास टाइम बहुत कम रहता है, जिसके कारण वो तैयारी ठीक से नहीं कर पाते हैं। और ऑल इंडिया बार का जो सिलेबस है, वो सिलेबस काफी वाइडर सिलेबस है। 19 लॉ से इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो इन सारी लॉ को पढ़ना और फिर तैयारी करना संभव नहीं होता, जिसके कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि कम से कम समय में वो किस प्रकार से किस लॉ पे ज्यादा ध्यान दें और वो अपने तैयारी करके एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। एक बात। दूसरी चीज मैं साथ में ये बताऊंगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरीके से, कौन से क्वेश्चन को पहले आप सोल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो इसे जानने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं पहले कि ऑल इंडिया बार में का जो एग्जाम है, उस एग्जाम को कम से कम समय में अर्थात 7 से 10 दिन के अंदर तैयारी कैसे करें, तो इसे जानिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात है कि आपको ऑल इंडिया बार का जो एग्जाम है उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि इसके क्या सिलेबस होते हैं। जब आपको सिलेबस की जानकारी होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से बुक से कितने नंबर की क्वेश्चन आते हैं। तो इसके तो ये जब पता चल जाएगा तो आप इसकी तैयारी में लगेंगे कि सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपके इंडियन पेनल कोड से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्रिमिनल लॉ से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, एविडेंस एक्ट से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। यदि हम इस 5 बुक के जो भी मार्क्स हैं, क्वेश्चन जो पूछ नंबर हैं, इन 5ों बुकों के, इसको यदि मैं जोड़ता हूं तो आपको टोटल बन जाता है 46 नंबर, 46 मार्क्स। आपको पासिंग के लिए कितने लाने हैं? 40 मार्क्स। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस 5 बुक्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर लें। इसके बाद जो है, छोटे छोटे जैसे बुक है, जैसे कि आपको एक और बता दूं, 46 नंबर ये हो गया इस 5 बुक से। फिर आप हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, इन दोनों लॉ से आप तैयारी कर लें। फैमिली लॉ से 8 नंबर का क्वेश्चन ये आ जाएगा, तो 46 और 8 यानी कि आपको 54 नंबर। यदि आप ये 6 बुक की तैयारी कर लेते हैं तो आपको 54 नंबर कहीं नहीं जाएगा। और पासिंग मार्क्स कितने हैं 100 में से? 40 मार्क्स। तो आप 40 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो इस 6 बुक पे आप ध्यान दें, और आई होप कि आपको जो है 7 दिन के अंदर इस 6 बुक की तैयारी आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। और इस क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए आपको प्री एग्जाम जो हुआ है, इससे पहले जो एग्जाम हुआ है, जैसे 2011 से एग्जाम होता आया है, उन सारी एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सेट आप ले लें, और उस सेट से आप इसकी तैयारी कर लें, आपको आसानी होगा तैयारी करने में। तो ये तो हुआ एग्जाम में की तैयारी कम से कम समय में पास करने के लिए कैसे करें। दूसरे होता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने के समय आप क्या करते हैं, कुछ गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण से आप पास नहीं हो पाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं एग्जाम को। तो एग्जाम में सबसे पहले आप क्या करें कि इस 6 बुक की जो तैयारी आपने की है, इनसे जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सोल्व कर लें, ठीक है। दूसरे तरीका है कि दूसरा आप क्या करें, इसको सोल्व करने के बाद दूसरे तरीके ये हैं कि जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन को हिट कर रहा है, जैसे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि मर्डर कौन कौन, मर्डर के लिए कौन से सेक्शन है, ठीक है। अब उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको जो ऑप्शन लगेगा उसको आप तुरंत बुक से खोल लीजिए कि मर्डर। अब आप देखिएगा कि वो जो सेक्शन होगा उस सेक्शन को डायरेक्ट हिट कर रहा है, ये आपको आसानी होगी खोजने में। तो जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन को हिट कर रहा है उसको पहले आप खोजें। तो इस प्रकार के 7-8 क्वेश्चन रहते हैं, 7-8 मार्क्स इससे आपको मिल जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका हुआ। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि 6 जो बुक आपने पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंडियन पेनल कोड, एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड, इसके बाद सिविल प्रोसीजर। तो ये जो 6 बुक आपने पढ़े हैं, इस 6 बुक से आपको टोटल 54 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो उसको, उससे जो भी क्वेश्चन है इसको पहले आप देख लें। इसके बाद जो है,
अब दूसरा है कि जो डायरेक्ट सेक्शन को अदर बुक से हिट कर रहा है क्वेश्चन, उसको आप देखें, बुक ओपन बुक एग्जाम होता है तो उससे खोज लें, आपको मिल जाएगा आसानी से, दो हुआ। तीसरा तरीका मैं आपको बताऊं, तीसरा तरीका होता है कि रेस्ट आपके जो क्वेश्चन बचते हैं उस वो क्वेश्चन यदि आपको नहीं आता है, आप क्या करें, क्वेश्चन के चार चार क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन या पांच पांच क्वेश्चन का सेट बना लें। मान लीजिए कि आपको 20 क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं पता है, आपने क्या करा, चार चार क्वेश्चन का पांच सेट बना लिए। अब चार नंबर में क्या कीजिए, चार क्वेश्चन का जो आपने सेट बनाया, अब उस एक सेट में आप क्या कीजिए, ए ए ए ए सब में आप आंसर दे दीजिए। अब दूसरा जो चार नंबर का सेट बनाया उसमें बी 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 दे दीजिए, तीसरा जो चार नंबर का सेट बनाया उसमें सी 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 दे दीजिए, चौथा जो बनाया है उसमें डी 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 दे दीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपके कोई भी मार्क्स जो है, अब देखिए जैसे पहला जो चार नंबर का है उसमें ए ए ऑप्शन दे दिए आप, चारों क्वेश्चन में आप ए ए ऑप्शन लेके बना लिए, इससे क्या होगा कि आपके जो है मान लीजिए उसमें से दो का ही या एक का ही यदि ए रहा तो एक नंबर तो आपको मिल जाएगा कम से कम। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि 40 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है और सबसे मेन बात है कि ओपन बुक एग्जाम होता है। तो इस तरीके से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पा सकते हैं और किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि एग्जाम ऑल इंडिया बार के एग्जाम को कम से कम समय में किस तरीके से तैयारी करके और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करके इसको क्वालिफाई किया जाए।